तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी के लिए हम जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हमारी हिस्ट्री वो होगा द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन माने कि मुगल एम्पायर टूटा और उसकी जगह पे छोटी छोटी स्टेट्स आ गई, छोटी छोटी किंगडम्स आ गई जो रीजनली ओरिएंटेड थी। फॉर एग्जांपल बंगाल में थी द किंगडम ऑफ बंगाल, उसके ऊपर जो आज का हमारा यूपी है वहाँ पे थी किंगडम ऑफ अवध, बिल्कुल नीचे जो आज का हमारा है द स्टेट ऑफ तेलंगाना वहाँ पे थी द किंगडम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के थोड़ा और नीचे जाएं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स के अराउंड थी द किंगडम ऑफ कर्नाटक, उसके थोड़ा नीचे जाएं तो किंगडम ऑफ तंजोर भी थी, थोड़ा दूसरी तरफ आए नक्शे के टुवर्ड्स केरला जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे छोटी छोटी किंगडम्स थी, फॉर एग्जांपल द किंगडम ऑफ ट्रावनकोर, कैलिकट, कोचीन, ये सारी किंगडम्स यहाँ पे थी। तो अगर आगे चलते हैं तो ऊपर थोड़ा सा आए नक्शे के तो जहाँ पे हमारा कर्नाटका है आज का वहाँ पे थी द किंगडम ऑफ मैसूर, और थोड़ा ऊपर आए महाराष्ट्र और थोड़े बहुत एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, इनफैक्ट काफ़ी एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया, ऐसे कहना चाहिए कि काफ़ी एरियाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वहाँ पे थी द किंगडम ऑफ मराठास। थोड़ा ऊपर आए राजस्थान तो यहाँ पे छोटी छोटी राजपूत किंगडम्स थी, उसके ऊपर आ जाएं पंजाब यहाँ पे थी द सिख प्रिंसिपैलिटीज़ जो काफ़ी नंबर्स में थी। तो ये एक सीन था इंडिया की पॉलिटी का 18th century में। अब जैसा कि हमें क्लियर है कि पूरे इंडिया में छोटे छोटे एम्पायर्स थे, फॉर पर्पज़ ऑफ स्टडी हम इनको ना तीन हिस्सों में बांटते हैं और वो क्या है, नंबर वन इज द सक्सेसर स्टेट्स। इनको सक्सेसर स्टेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको एस्टेब्लिश करने वाले वो लोग थे जो थे गवर्नर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल बादशाह ने इन लोगों को इन प्रांतों में गवर्नर बना के भेजा था और ग्रेजुअली विद टाइम दे बिकेम ऑटोनोमस विद इन देयर ओन स्फीयर्स। इसके अलावा थे रेबल्स, रेबल माने तो विद्रोही, और इनको एस्टैब्लिश करने वाले वो लोग थे जिन्होंने रेबल किया था अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में हम रखते हैं ऑटोनोमस स्टेट्स को। ऑटोनोमस माने कि ऑलरेडी मुगल एम्पायर में ये वो किंगडम्स थी जो अ सर्टन सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही थी, अब जब मुगल एम्पायर वीक हो गया तो दे ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं सक्सेसर स्टेट्स की। सक्सेसर स्टेट्स में तीन स्टेट्स आएंगी, नंबर वन इज द किंगडम ऑफ बंगाल, नंबर टू इज द किंगडम ऑफ अवध एंड द नंबर थ्री इज द किंगडम ऑफ हैदराबाद। पहले बात बंगाल की, बंगाल के फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान, इनको औरंगजेब ने दीवान बनाया था अपने 1690s के अराउंड। उस टाइम पे मुगल एम्पायर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, बहुत से ज़मींदार ऐसे थे जो अपना रेवेन्यू टाइम पे नहीं भेज रहे थे, तो इस सारी सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए औरंगज़ेब ने इनको दीवान बना के भेजा था। औरंगज़ेब के बाद बादशाह आए बहादुर शाह, बहादुर शाह ने भी इनको इन्हीं पोजीशन पे बनाए रखा, उसके बाद बादशाह आए फारूक सियार, फारूक सियार ने इनको सन 1717 में दीवान तो ये थे ही एक और चार्ज दे दिया था जिसे हम कहते थे निज़ाम। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा कि मुगल एम्पायर में दो तरह के ऑफिसर्स रहते थे, एक तो होता था दीवान, दीवान माने आज का फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा होता था निज़ाम, निज़ाम माने आज का डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। कंबाइंड था कि लॉ एंड ऑर्डर को भी देखता था और उसके अलावा सेना भी मेंटेन करता था, ये सारी चीज़ें निज़ाम करता था। जब तक तो औरंगज़ेब थे, मुगल बादशाह स्ट्रांग थे, तब तक तो ये अलग अलग दो लोग होते थे, निज़ाम और दीवान। बट अब हम देख रहे हैं कि ये पहली बार हुआ था कि मुर्शिद कुली खान दीवान तो थे ही निज़ाम भी बन चुके थे। इससे क्या हुआ कि द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस जो प्रोविंसेस में चलता था और प्रिवेंट करता था कि बहुत सी पावर एक ही हाथ में ना जाए वो ख़त्म हो गया, अब एक ही आदमी पावरफुल हो गया। अब यहाँ से कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी और मुर्शिद कुली खान एक ऑटोनोमस रूल को इनिशिएट कर देंगे बंगाल में, इन अ ट्रू सेंस ये अपना सक्सेसर भी अपॉइंट कर देंगे। और इन्होंने अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया था अपने ग्रैंडसन को सरफराज खान, बट मुर्शिद कुली खान की डेथ होगी 1727 में,
तो सरफराज खान को नवाब नहीं बनने दिया जाएगा, नवाब बनेंगे सरफराज खान के फादर शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन की डेथ हो जाएगी 1739 में, तो फिर से नवाब बनेंगे सरफराज खान। बट इस टाइम पे बंगाल में तख्ता पलट हुआ, जिसे हम कहते हैं कूप। उसको करने वाला था एक आर्मी कमांडर अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान की हेल्प की थी बंगाल के लीडिंग जमींदार्स ने, और उनमें से विशेष थे जगत सेठ। और मुर्शिद कुली खान के बाद ये पहली बार था कि उनकी जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हुई, अब डायनेस्टी शुरू होगी अली वर्दी खान की। अली वर्दी खान 1740 में आएंगे, 1756 तक वो रहेंगे। 1756 में इनकी डेथ होगी, तो नवाब बनेंगे इन्हीं के नेफ्यू सिराजुद्दौला। ये तो हो गया एक तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बंगाल। एक पॉलिटी हमने देख ली है कि कैसे मुर्शिद कुली खान से लेके सिराजुद्दौला तक हम आएंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं कि सिराजुद्दौला ही थे जिनको अंग्रेज़ों ने पलासी की लड़ाई में हराया था। अब यहाँ से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं बंगाल की इकोनॉमी, बंगाल की सोसाइटी एंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मुर्शिद कुली खान ने हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम की फाउंडेशन लेड की। उसका मेन पिलर ऑफ सपोर्ट क्या था? वो था इनकी रोबस्ट एंड स्ट्रीमलाइंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? सबसे पहले तो इन्होंने करप्शन को ख़त्म किया जो लोअर ऑफिशियल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट थी। सेकंड, इन्होंने एक नई तरह की सेटलमेंट की जिसे हम रेवेन्यू फार्मिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है? सपोज कीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें से रेवेन्यू आता था पहले 40 रुपये पर एनम। तो अब क्या करेगी सरकार? कहेगी कि वी आर गोइंग टू ऑक्शन द रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट। अब ऑक्शन में काफ़ी सारे लोग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बेट करेगा कि मैं 41 दूंगा, दूसरा कहेगा 42, तीसरा 43, सम पर्सन सेज आई विल गिव 45, तो उसको ये बेट दे दी जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि 45 रुपीज़ तो इस पर्सन ने कलेक्ट करके सरकार में जमा करवाने हैं, बट ही विल ट्राई कि मेरा भी कुछ मुनाफा हो। तो हो सकता है ये कोशिश करेगा कि मैं किसानों से 50 रुपये कलेक्ट करूँ, तो 5 रुपये अपनी जेब में और 45 टू द गवर्नमेंट। अब इसका रेमिफिकेशन बहुत वाइड है, बहुत ही डीप है। कैसे? देखिए, पहले किसान की जेब से 40 जा रहे थे, आज 50 जा रहे हैं। अब जाहिर है कि इतना सा टैक्स बढ़ा है, किसान आराम से तो दे नहीं पाएंगे, ऑपरेशन होगा, धक्के से लेना पड़ेगा, तो पीजेंट्स की पोजीशन जो थी वो और खस्ता होती चली जाएगी। और इसी के इन पैरेलल जिस बंदे ने ये राइट खरीदा, उसकी जेब में कुछ पैसा आया, तो उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो राइज होती जाएगी। अब ये जो बंदा है जिसने रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट लिया, इसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मुर्शिद कुली खान का राज जब तक चलेगा, मेरी ये प्रॉफिट जो है, मेरा जो मुनाफा जो है वो चलता रहेगा। तो ही विल बिकम अ लॉयल पिलर ऑफ सपोर्ट टू मुर्शिद कुली खान। और एक चीज़ और की मुर्शिद कुली खान ने, इसने इनकरेज किया लार्ज ज़मींदारी हाउसेस को एट द प्लेस ऑफ मैनी स्मॉल ज़मींदार हाउसेस। फॉर एग्जांपल, कि अगर 15 ज़मींदार हैं, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना तो आसान है ना, इन कंपैरिजन टू 50 ज़मींदार्स। तो वही इसने किया, इसने कंसोलिडेटेड किए ज़मींदारी राइट्स को। जो ऐसे रिफ्रैक्टरी ज़मींदार थे जो रेवेन्यू टाइम पे नहीं देते थे, उनकी ज़मींदारियाँ वापस ले ली और उनको खलीसा लैंड यानी कि क्राउन लैंड में तब्दील कर दिया। और कुछ और भी ज़मींदार थे उनको ओडिशा में और द आउटलेइंग एरियाज ऑफ एम्पायर में भेज दिया था। तो इससे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक लॉयल पिलर भी मिला, रेवेन्यू रिसोर्सेज भी बढ़े और बंगाल जो था वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया थोड़े ही टाइम में। अब बात करते हैं बंगाल ट्रेड की। बंगाल ट्रेड को लेके यूपीएससी 2018 के प्री में ही एक क्वेश्चन पूछ चुका है, वो देख सकते हैं आप पीछे। वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे पीछे लिखा है कि विच वर द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम बंगाल। अब मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड क्या थी? वो थी कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, क्लैरिफाइड बटर और दो तीन चीज़ें और थी, वो हैं पीछे देख लीजिएगा। तो ये मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड थी। अब ट्रेड दो रूट से होती थी जैसे आज है, इनलैंड ऑनलैंड रूट एंड ओवरसीज रूट। ऑनलैंड रूट क्या था कि बंगाल से गुड्स निकलेंगे, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में गुड्स जाएंगे
वहाँ पे इकट्ठे होंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा ओशियनिक रूट था फ्रॉम द पोर्ट ऑफ हुगली, हुगली से गुड्स निकलेंगे, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट्स में जाएंगे, कुछ रेड सी में जाएंगे, कुछ पर्शियन गल्फ में जाएंगे और आगे बिकते रहेंगे। अब ये तो सिस्टम चल रहा था 17th century तक। जब 18th century आएगा तो हम एक चीज़ और देखेंगे इसी चैप्टर में थोड़ा आगे जाके, कि मराठास ने पूरे इंडिया में उत्पात मचा के रखा था। वो हर जगह घुस जाते थे मांगने, चौथ एंड सरदेशमुखी द काइंड ऑफ टैक्सेस, लूटपाट करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे और निकल जाते थे अटैक करने के बाद। तो इसके चलते जो तो ओवरलैंड रूट था वो तो डिक्लाइन कर गया, बट बंगाल की ट्रेड डिक्लाइन नहीं हुई, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको सप्लीमेंट करने के लिए ओवरसीज रूट जो था वो चल रहा था, और इसको अब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, स्पेशली द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफ इंग्लैंड, डच एंड द फ्रेंच, इन्होंने इसको सप्लीमेंट किया और ट्रेड को और बढ़ा दिया। तो जो ओवरलैंड से ट्रेड कम हुई वो ओवरसीज से सप्लीमेंट हो गई, और इसका एक और डेवलपमेंट था, इसका एक और रेमिफिकेशन था। वो क्या था कि अब बंगाल की इकोनॉमी में इन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का जो इम्पोर्टेंस था वो और बढ़ जाएगा। दिस प्रिपेयर्ड अ ग्राउंड फॉर द फर्दर इंटरवेंशन ऑफ दीज ट्रेडिंग कंपनीज इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द बंगाल स्टेट। खैर, उसकी चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे, कैसे अंग्रेज आएंगे, इंटरवीन करेंगे और अपना राज्य यहाँ पे बना के बैठ जाएंगे। और एक और चीज़ थी यहीं पे कि ट्रेड हो रही है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी रोबस्ट हो चुकी है, स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, तो फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि ट्रेड में दे नीड द सिक्योरिटीज एट एवरी लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन, प्लस जमींदार हैं उनके ऊपर भी एक वो रिस्ट्रिक्शन है कि टाइम पे आपने रेवेन्यू देना है। तो इसके चलते फाइनेंसेस का इम्पोर्टेंस भी अब बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया कि अली वर्दी खान ने कूप कर दिया था विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ एंड कंपनी। तो जगत सेठ एक फाइनेंसर थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, जैसे 1740 में तख्ता पलट कर दिया नवाब का, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फाइनेंसर्स का, इन बैंकर्स का बंगाल की इकोनॉमी में कितना महत्व हो चुका था। तो यहाँ तक है बंगाल की बात, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ आते हैं, इस सारे सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं और सिराजुद्दौला को पलासी की लड़ाई में हरा देते हैं, और वहाँ से शुरू होगा हमारा एक नया अध्याय, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया।